Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to discuss about chapter number 5 of class 3rd, which is the human body. In this video, we are going to discuss about organ system, skeletal system, muscular system, and digestive system, which is on your book page number 45 to page number 47. सो लेट स्टार्ट विथ आर ऑर्गन सिस्टम और राइट तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे अंदर ये ऑर्गन सिस्टम क्या होता है और ऑर्गन सिस्टम डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गन्स क्या होती है सो so स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से आर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स हमारी जो बॉडी है वो क्या बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी है इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ़ आर बॉडी और ये हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी मतलब सबसे छोटा तत्व है हमारी पूरी बॉडी का सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर बॉडी सेल्स क्या है बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी बॉडी के मैनी सेल्स ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू और जब बहुत सारी सेल्स एक साथ मिल जाती है तो वो क्या बना लेती हैं वो बना लेती हैं टिश्यू टिश्यूज़ ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गनस और जब टिश्यूज एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं वो बना लेते हैं ऑर्गन्स ऑर्गन्स हेल्प्स अस टू कैरी आउट आर एवरीडे एक्टिविटीज़ और ये ऑर्गन क्या करते हैं ये ऑर्गन हेल्प करते हैं हमें जो हम एवरीडे एक्टिविटीज़ करते हैं ना वो कर रहे फॉर एग्जाम्पल जैसे हार्ट हार्ट भी एक ऑर्गन है वो क्या करता है वो ब्लड को सर्कुलेट करने का, का काम करता है लिवर एक ऑर्गन है हमारे जो लंग्स हैं वो भी क्या है एक ऑर्गन है तो इन ब्रीफ़ अगर मैं आपको समझाऊं तो सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज़ टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स अब ऑर्गन से मिलकर क्या बनेंगे ऑर्गन से मिलकर बनेंगे ऑर्गन सिस्टम्स सर्टेन ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम कुछ ऑर्गन्स क्या करते हैं एक साथ काम करते हैं और क्या बना लेते हैं वो बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर अप एन ऑर्गेनिज्म और सारे जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तब वो क्या बना लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म बना, बना लेते हैं एक लिविंग बींग बना लेते हैं ऑल राइट सो सबसे पहले होते हैं सेल्स फिर होते हैं टिश्यूज उसके बाद आते हैं आपके ऑर्गन्स फिर ऑर्गन सिस्टम फिर ऑर्गेनिजम ऑल राइट चलिए लेट अस डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स विच आर प्रजेंट इन अमूमन बॉडी अब हम क्या करेंगे एक एक करके सारे ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे जो भी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम है आपका स्केलेटल सिस्टम अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अबाउट थ्री हंड्रेड बोन्स एक न्यू बॉर्न बेबी जो भी बेबी होता है उसके कितने होती है बोन्स थ्री हंड्रेड बोन्स होती हैं सम ऑफ़ दिस जॉइंट टूगेदर टू फॉर्म टू हंड्रेड सिक्स बोन्स दैट एडल्टेव और जब बेबी छोटा होता है तब तो उसके थ्री हंड्रेड बोन होती हैं लेकिन जब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है तो उसकी बोन्स क्या होती हैं एक दूसरे से जॉइंट हो जाती हैं और किसी भी एडल्ट में ठीक है किसी भी यंग इंसान में कितनी होती है टू हंड्रेड सिक्स बोन्स होती हैं कितनी बोन्स होती हैं टू हंड्रेड सिक्स द बोन्स आर हार्ड एंड जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ स्केलेटन और ये बोन्स क्या करती हैं एक दूसरे से जॉइन करके पूरा एक स्केलेटन बना लेती हैं क्या बना लेती हैं पूरा एक स्केलेटन बना लेती हैं पूरा एक बोन का फ्रेमवर्क बना लेते हैं जिसे हम स्केलेटन भी कहते हैं अब हम फंक्शन ऑफ स्केलेटन पढ़ लेते हैं कि स्केलेटन का काम क्या है स्केलेटन गिव शेप टू आर बॉडी स्केलेटन का काम क्या है हमारी बॉडी को शेप देना और right, हमारी पूरी बॉडी को शेप कौन देता है स्केलेटन देता है इट प्रोटेक्ट्स इनर बॉडी ऑर्गन सच एज द ब्रेन द हार्ट एंड द लंग्स ये क्या करता है स्केलेटन ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को भी बचाता है जैसे हमारा ब्रेन हमारा हार्ट और हमारे लंग्स को कौन बचाता है ये स्केलेटन बचाता है देखिए ब्रेन यहाँ प्रेजेंट होता है तो यहाँ स्केलेटन बचाता है हार्ट और लंग्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं यहाँ भी कौन बचाता है हमारा स्केलेटन इन्हें बचा लेता है नेक्स्ट है वी कैन स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक ड्यू टू आर स्केलेटन हम जो सीधे खड़े हो पाते हैं और चल पाते हैं वो किसकी वजह से चल पाते हैं वो स्केलेटन की वजह से ही चल पाते हैं ऑल राइट right. नेक्स्ट है आपका मस्कुलर सिस्टम एन एडल्ट ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवर 600 हंड्रेड मसल्स विच आर मेड ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज तो एक एडल्ट जो ह्यूमन होता है उसमें कितनी मसल्स होती हैं 600 हंड्रेड मसल्स होती हैं जो किसकी बनी होती हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ की बनी होती और सॉफ्ट टिश्यूज से मिली 600 हंड्रेड मसल्स दोज मसल्स विच आर अटैच टू आर बोन्स हेल्प अस टू मूव अब कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो कि हमारी बोन्स अटैचेड होती हैं मतलब बोन से क्या होती हैं बिल्कुल अटैच होती हैं जिसकी वजह से वो हमें चलने में मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं वैन मसल्स मूव दे पोल द बोन और जब भी मसल्स मूव करती हैं तो क्या करती है बोन को खींच लेती हैं वी यूज बोथ आर मसल्स एंड बोन्स टू मूव आर आर्म्स लेग्स एंड अदर बॉडी पार्ट हम क्या करते हैं हम अपनी मसल्स का और बोन्स का यूज़ करते हैं अपनी आर्म्स लेग्स और अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए अगर हमें अपनी आर्म मूव करनी है तो हम अपनी बोन का भी यूज़ करेंगे और हमारी मसल्स का भी यूज़ करेंगे और राइट right? अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर आर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू वर्क हमारी बॉडी को क्या चाहिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने के लिए दिस एनर्जी कम्स फ्राम द फूड और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें यह एनर्जी मिलती है हमें फूड से द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज बाय द बॉडी इन द फॉर्म दैट इट इज़ ईटिन लेकिन हमारी जो बॉडी है उस खाने का यूज़ नहीं जैसे आप खाने खाते हैं तो जो खाना खाते हैं जैसे आपने रोटी खाया पराँठा खाया तो वा यूज़ नहीं कर पाएगी उसको क्या करना पड़ेगा हमारी बॉडी को ब्रेकडाउन करना पड़ेगा अगर उसको यूज़ करना है बॉडी को तो ऑल राइट right. इट हैज़ टू बी चेंज इन टू अ सिम्पलर फॉर्म फॉर द प्रॉपर एब्जॉर्बशन बाय आर बॉडी इसको क्या करना चाहिए इसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करना है हमें ठीक है जो भी हम फूड खाते हैं वो किस में चेंज होता है वो सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है जब भी उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो ठीक है बॉडी तभी एब्जॉर्ब करेगी जब वो सिंपल फॉर्म में चेंज होगा दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन दर्गन दैट हेल्प इन डाइजेशन मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम और ऐसे ऑर्गन जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में उन्हें हम कहते हैं क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ये जितने भी ऑर्गन आपको दिख रहे हैं लाइक माउथ फूड पाइप लिवर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन स्टोमक एनस ये सब क्या बनाते हैं ये सब बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ये सारी ऑर्गन्स है जो कि क्या बनाती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम के धीरे धीरे सारे पार्ट्स को हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट पार्ट क्या है माउथ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस फ्रॉम द माउथ सबसे पहले अगर हमें डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है माउथ से क्योंकि हम माउथ से ही खाना खाते हैं ऑलराइट तो माउथ से ही स्टार्ट होती है द टीथ हेल्प इन बाइटिंग चुइंग एंड ब्रेकिंग द फूड टू स्मॉलर पीसेज अब इसमें क्या होता है माउथ में माउथ में होते हैं हमारे टीथ जो क्या करते हैं खाने को काटने का काम करते हैं उनको चबाने का काम करते हैं और ब्रेक करने का काम करते हैं उनको छोटे छोटे पीसेज में द सली इन द माउथ गेट मिक्स विद द फूड एंड मेक इट सॉफ्ट और सलेवा क्या करता है फूड के साथ मिल जाता है और उसको सॉफ्ट बना देता है दिस फूड कैन बी सॉलोड और इस फूड को हम क्या कर लेते हैं फिर निगल लेते हैं ऑल राइट right. कहां पहुंचता है माउथ के बाद खाना पहुंचता है फूड पाइप में द फूड पाइप कनेक्ट्स द माउथ एंड द स्टोम द स्मॉल ऑफ फूड ट्रेवल टू द थ्रू इट तो क्या करता है जो फूड पाइप होता है ना वो हमारे माउथ को कनेक्ट करता है स्टोमैक से ठीक है और जो भी स्मॉल पीसेज ऑफ फूड है वो कहां पहुंचते हैं अब डायरेक्ट स्टोमैक में पहुंच जाते हैं सो नेक्स्ट ऑर्गन हमारा क्या होगा नेक्स्ट ऑर्गन होगा हमारा स्टोमैक डाइजेस्टिव जूस इन द स्टोमैक मिक्सड विद द फूड एंड फॉर्म अ पेस्ट तो जो भी डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव जूस का मतलब जो कि डाइजेस्ट करते हैं फूड को वो वाले जूस उन्हें कहते हैं डाइजेस्टिव जूस जो भी डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं ना स्टोमक में वो क्या करते हैं वो फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसको क्या बना लेते हैं पेस्ट टाइप का बना देते हैं दिस फूड इज़ देन पासिस इन टू द स्मॉल इंटस्टाइन और फिर इस फूड को हम कहाँ भेज देते हैं इट फूड को हमारी बॉडी भेज देती है स्मॉल की तरफ ठीक है सो नेक्स्ट ऑर्गन हमारा हो गया स्मॉल इंटस्टाइन फ्रॉम द स्टोमेक फूड गोज़ इन टू द स्मॉल इंटस्टाइन अब कहाँ स्टोमेक से स्मॉल इंटस्टाइन में फूड आ गया द डाइजेस्टिव जूस प्रजेंट इन द स्मॉल इंटस्टाइन हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड और जैसे कि स्टोमेक के तरह स्मॉल इंटस्टाइन में भी क्या होता है डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो क्या करते हैं फूड पर डाइजेस्ट करने का काम करते हैं द न्यूट्रिशनल कॉम्पोनेट्स ऑफ द फूड आर देन ऑब्जॉर्ब बाय द बॉडी पहले तो यह डाइजेशन होता है स्मॉल इंटस्टाइन में उसके बाद फूड को यह ऑब्जर्व कर लेते हैं हमारा जो फूड ऑब्जर्व होता है ना वो किसमें होता है वो स्मॉल इंटस्टाइन में ऑब्जॉर्व हो जाता है नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लार्ज इंटस्टाइन पर द रेस्ट ऑफ द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाई आर बॉडी गोज इन टू द लार्जेस्ट इंटस्टाइन तो जितना भी खाना जो कि एब्जॉर्व नहीं हो पाता है हमारी बॉडी के थ्रू वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन और जो भी वाटर होता है पानी होता है अनडाइजेस्टेड फूड का जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको कौन ऑब्जर्व कर लेता है उसको ऑब्जर्व कर लेती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज दैन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट थ्रू द एनस और ये अनडाइजेस्टेड फूड फिर रिमूव कर दिया जाता है हमारी बॉडी से अब अनडाइजेस्टेड फूड का तो हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है तो इस अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी क्या कर लेती है बाहर निकाल देती है किसके थ्रू एनस के थ्रू ऑल राइट तो ये पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है हमारा फूड से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम्स थैंक यू सो मच